बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह जून बड़ी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वो खुद ट्रैक्टर चलाकर गांव की चौपाल तक पहुंच रहे हैं। बहादुरगढ़ से 3 बार विधायक रहे राजेंद्र सिंह जून का गांव गांव में ढोल नगाड़ो और ट्रैक्टर के काफिले के साथ जोरदार स्वागत किया जा रहा है। ग्रामीण भारी संख्या में राजेंद्र सिंह जून को अपना समर्थन दे रहे हैं। इस दौरान राजेंद्र सिंह जून ने कहा कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और तीसरी बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तीसरी बार जो है ना सरकार बनने के लिए जो है ना लोग देख रहे हैं कि कब जो है ना पूरी हो और कब रिजल्ट आए। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने क्योंकि इस 10 साल के राज के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो राज था ये राज जो है बिल्कुल एकदम से लौंड खराब है। मंत्रियां ली जा रही है, डकैतियां पड़ रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है। तो ये हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में सुख शांति थी। इस राज में लोग बड़े दुखी होके चाहते हैं बदलाव, पूरा हरियाणा बदलाव चाहता है। हर जगह पर उत्साह है, जहां जहां मुख्यमंत्री जाते हैं वहां वहां बड़े ज्यादातर जो लोग आके उनके विचार सुनते हैं और भीड़ से साफ पता लगता है कि लोग जो है बदलाव चाहते हैं। हरियाणा के अंदर तीसरी बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को देखना चाहते हैं, वही विकास देखना चाहते हैं जो 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने करवाए थे। तो मैं समझता हूँ इस 5 साल में जो हमारा हरियाणा पीछे नीचे से 1 नंबर पे आया है और जो 1 नंबर पे चौधरी हुड्डा जी लेके आए थे वो इस 5 साल में हमारे हुड्डा साहब पूरे काम करेंगे और देश हमारे प्रदेश को ऊपर ले जाएंगे।